अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 7 की रीडिंग की थी। आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आंसर क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ पुश और पुल फोर्स, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स देनी है पुश और पुल, ठीक है। इन दोनों की 3 एग्जाम्पल्स देनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखें, ठीक है। पुशिंग द ट्रॉली, ठीक है, ये पुश की एग्जांपल है। पुशिंग द ट्रॉली, पुशिंग द कार और पुशिंग द टेबल, ठीक है, ये पुश की 3 एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिंग की एग्जांपल है अ मैग्नेट पुलिंग मेटल थिंग्स, पुलिंग बैक द स्ट्रिंग ऑफ अ बो ऑफ फायर एंड एरो, पुलिंग अ डोर टू ओपन इट, ठीक है। दोबारा से देखें, अ मैग्नेट पुलिंग मेटल थिंग्स, सेकंड पे है पुलिंग बैक द स्ट्रिंग ऑफ अ बो ऑफ फायर टू फायर एंड एरो, पुलिंग अ डोर टू ओपन इट, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज पुली, ठीक है, व्हाट इज पुली। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज पुली। अ पुली इज अ सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट और लोअर हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अ पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट और लोअर हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर पुली यूज्ड, वेयर आर पुली यूज्ड, ठीक है, वेयर आर पुली यूज्ड। अ पुली इज यूज्ड फॉर drawing water out of a well, it is also used in cranes for lifting heavy loads, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, what is liver, give example of liver used at your home, ठीक है। लीवर क्या होता है और उसकी 3 एग्जाम्पल दें, उसकी एग्जाम्पल्स देनी है कुछ आपने जो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। लीवर इज अ सिंपल मशीन विच इज़ यूजली अ लॉन्ग रॉड, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, सीजर्स नट क्रैकर, ठीक है, सीजर्स नट क्रैकर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर, ठीक है। ये हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। ड्रा अ लेबल डायाग्राम ऑफ पुली यूज टू लिफ्ट अ पेल, ठीक है। आपने एक पुली की डायाग्राम यहाँ पे लेबल करनी है, ठीक है, जो कि एक हैवी, जो कि एक लिफ्ट जो है वो एक पेल को लिफ्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग, व्हाट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर इंक्लाइंड प्लेन इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है और इसकी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देनी है, ठीक है। ये देखें इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इट इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन, द इंक्लाइंड प्लेन इज सिंपली अ रैम्प विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मूव थिंग्स फ्रॉम लोअर टू हायर प्लेसेस और हायर टू लोअर प्लेसेस ईजीली, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन के बारे में है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें, यूजली रैम्प्स आर यूज टू लोड द हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन द ट्रक्स, ठीक है। दे आर आल्सो यूज इन हॉस्पिटल्स टू कैरी पेशेंट टू अपर स्टोरीज कन्वेंटली एंड कम्फर्टेबली विदाउट यूजिंग स्टेयर्स, ठीक है। ये सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है। उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ व्हील एंड एक्सल, गिव 2 एग्जांपल्स वेयर इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। व्हील एंड एक्सल और उसकी एग्जांपल, ठीक है, ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हील इज़ अ मेजर इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, व्हील डज नॉट वर्क विदाउट एक्सल, एक्सल इज अ रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, इट अलाउज द व्हील टू टर्न अराउंड इट। व्हील कम्बाइंड विद द एक्सल फॉर्म्स आ सिंपल मशीन, व्हील एंड एक्सल, ठीक है, ये व्हील एंड एक्सल के बारे में है। उसके बाद है विच चेन स्लाइडिंग मोशन इन टू रोलिंग मोशन, व्हील एंड एक्सल हैव मैनी यूजेज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो बाईसाइकिल और कार्ट, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल जो है वो साथ आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ पुली यूज टू लिफ्ट अ पेल, आपने डायग्राम को जो है वो ड्रा करना है और उसको लेबल करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन, गिव 3 एग्जांपल्स वेयर इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आपने बताना है और उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। और लास्ट पे व्हाट इज़ व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल के बारे में बताना है और उसकी आपने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट अ फोर्स, ठीक है, इसमें से कौन से जो है फोर्स नहीं है, स्पीड, फ्रिक्शन, पुल और पुश। तो फ्रिक्शन जो है वो फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन को आपने सर्कल कर देना है। सेकेंड पे है एनी थिंग डैट काजेज चेंज इन पोजिशन और स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस, मास, फोर्स या मूवमेंट, ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्स, ठीक है, एनी थिंग, ठीक है, जो किसी भी जिस्म की जो पोजिशन है, ठीक है, उसकी और स्पीड जो है वो तब्दील कर देती है, वो क्या होती है, फोर्स होती है। वट मस्ट बी अप्लाइड टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो चीज़ों को पुश और पुल करने के लिए लगाई जाती है, फोर्स, ग्रेविटी, स्पीड या डिस्टेंस, तो फोर्स, ठीक है। उसके बाद है पीपल यूज़ सिंपल मशीन्स बिकॉज, लोग जो है सादा मशीनें क्यों इस्तेमाल करते हैं, दे मेक थिंग्स स्मॉलर, दे डू द वर्क फॉर अस, दे मेक वर्क ईजियर, दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे मेक वर्क ईजियर, अपने काम को आसान बनाने के लिए। वट हैपन्स टू अ फुटबॉल बाई अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है, फुटबॉल पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है क्या होता है, इट्स पोजिशन चेंज, इट्स वेट चेंज, इट्स शेप्स चेंज या फिर इट्स कलर चेंज। तो जब फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है, इट्स पोजिशन चेंज। इफ़ यू विश टू किक अ सॉसर बॉल टू गो एज फार एज पॉसिबल, वट शुड यू डू, ठीक है, अगर आपने एक सॉसर बॉल को जो है वो किक करना है कि वो दूर, ज़्यादा दूर जाए, तो आप फिर क्या करेंगे, किक इट फ्रॉम द साइड, किक इट वेरी हार्ड, किक इट विदाउट शूज़ ऑन या किक इट टू आर टीम मेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको साइड से किक करेंगे, किक इट फ्रॉम द साइड, ठीक है, सोसर बॉल को हम लोग साइड से किक करेंगे। विच सिंपल मशीन इज़ यूज इन बाईसाइकिल टू ट्रैवल, ठीक है, बाईसाइकिल में कौन सी सिंपल मशीन यूज़ होती है, व्हील एंड एक्सल, लीवर, स्क्रू या फिर पुली, व्हील एंड एक्सल, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन्स मेक्स अप द बेस ऑफ लाइट बल्ब, ठीक है, लाइट बल्ब की जो बेस होती है वो किससे, कौन सी सिंपल मशीन होती है, उसमें व्हील एंड एक्सल, लीवर, स्क्रू या फिर पुली, तो स्क्रू। लास्ट पे देखें विच मूव्स विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है, स्पीड जो है वो किसकी ज़्यादा है, ठीक है, ट्रैक्टर, बाईसाइकिल, कार या फिर एरोप्लेन, तो एरोप्लेन, ठीक है, इसको आपने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करनी है। अ पुश और पुल इज फोर्स, अ पुश और पुल इज फोर्स। उसके बाद है सेकंड पे यू डैश द ओवन डोर टू ओपन इट, ठीक है, ओवन का डोर जो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, डोर को, यू पुल द ओवन डोर टू ओपन इट। थर्ड पे है द स्विंग मूव्स फास्टर व्हेन यू डैश इट, ठीक है, झूला जो है वो उसको हम लोग जो है वो तेज़ करने के लिए क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, वी व्हेन यू पुश इट। अ स्विंग मशीन इज़ मेड अप ऑफ मैनी सिंपल मशीन्स, ठीक है, बहुत सी सादा मशीनों से मिलकर बनी होती है एक सिलाई मशीन। अ फ्लैग इज़ रेज्ड और लॉयर्ड विद द हेल्प ऑफ पुली, ठीक है, झंडे को जो है वो जो ऊपर या नीचे किसकी मदद से किया जाता है, पुली की मदद से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें आंसर क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और ऑप्शंस ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं, और आंसर क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोट्स कॉपी पे लिखने हैं और इनको ज़ुबानी याद करना है। अल्लाह हाफिज़।